हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेवेंथ पे कमीशन से रिलेटेड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो अपडेट है, द अपडेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिलेटेड टू सेवेंथ पे कमीशन इन टर्म्स ऑफ सैलरी हाइक, इंक्रीमेंट, इन सब के बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट और उसमें क्या क्या चेंजेस है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेवेंथ पे कमीशन से रिलेटेड इस इंपॉर्टेंट अपडेट की। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बेसिकली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो मेन डिमांड है वो मिनिमम सैलरी फिटमेंट फैक्टर को इनक्रीज़ करने का था। अल्टीमेटली उसके लिए अभी तक देर इज़ नो गुड डिसीजन फॉर दैट, लेकिन जो नई चीज़ आई है, जो नई इम्प्लीमेंटेशन आई है, वी विल टॉक अबाउट द न्यू इम्प्लीमेंटेशन दैट विल बी डन इन 2019, जिसका कि जो है सम गवर्नमेंट सोर्सेज आर सेइंग दैट इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज से ये पता चला है कि ये वाली जो नई चीज़ है वो इम्प्लीमेंट होगी और इस नई चीज़ के इम्प्लीमेंट होने से बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या वो नई चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सोर्सेज से दैट दे वुड गो फॉर ए पे हाइक, बट इट वुड बी एज पर द न्यू फॉर्मूला। बेसिकली दे आर टू थिंग्स, वन इज़ मिनिमम सैलरी एंड फिटमेंट फैक्टर, उसकी अभी बात नहीं चल रही है। बेसिकली बात चल रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी होगी दैट विल बी इंक्रीज्ड, बट दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द न्यू फार्मूला। और वो न्यू फार्मूला क्या है? द न्यू फार्मूला इज़ AYKROYD फार्मूला। दिस इज़ द फार्मूला AYKROYD फार्मूला, जो कि 2019 में इम्प्लीमेंट होगा। दिस मीन्स दैट देयर वुड बी नो एट्थ पे कमीशन। ये बेसिकली दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। एंड इसके बेस पे क्या होगा कि अब सेवन्थ पे कमीशन, एट्थ पे कमीशन, नाइन्थ, इस तरह का नहीं होगा। ये अभी गवर्नमेंट सोर्स से पता चला कि दिस इज़ द न्यू थिंग दैट इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। और इसमें कहा गया है कि सेवन्थ पे कमीशन जो दैट द गवर्नमेंट मस्ट रिव्यू द सैलरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एवरी ईयर। जैसे कि हर साल जो है AIC पिन का जो रिज़ल्ट आता है, जिसके थ्रू देखा जाता है कि कितना इन्फ्लेटेशन है और कितनी महंगाई बढ़ी हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट द सैलरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विल बी इंक्रीज। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग 10 ईयर्स, अब आपको 10 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं। अब आपको जो है ईयरली बेसिस पे जो है सैलरी को रिव्यू किया जाएगा एंड सैलरी विल बी इंक्रीमेंटेड। आप देख सकते हैं कि द गवर्नमेंट मस्ट रिव्यू द सैलरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एवरी ईयर, लुकिंग इन टू द डेटा अवेलेबल बेस्ड ऑन द प्राइस इंडेक्स। जो प्राइस इंडेक्स का डेटा है उसके बेस पे चेक किया जाएगा कि अभी कितना चेंजेस आया, उसके बेस पे एवरी ईयर द सैलरी विल बी रिव्यूड एंड इंक्रीज्ड। ये देखिए आप, द कमीशन हैड रिकमेंडेड दैट द पे मैट्रिक्स मे बी रिव्यूड पीरियोडिकली। मतलब कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग 10 ईयर्स, 10 साल वेट करने के बजाय हर साल जो है इसको रिव्यू करना चाहिए, और रिव्यू करने के बाद से इंपॉर्टेंट चेंजेस मस्ट बी डन। सैलरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कैन बी रिव्यूड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर फार्मूला। जो नया फार्मूला की बात करें 2019 में, AYKROYD फार्मूला, विच टेक्स इन टू कंसिडरेशन चेंजेस प्राइस दैट कंस्टिट्यूट अ कॉमन मैंस बास्केट। जो डे टू डे लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो प्राइस में चेंज आ रहे हैं, उन सबको कंसिडर करके फिर जाके प्राइस बढ़ेगा। तो इसका साफ मतलब ये है कि अब जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर विल नॉट वेट फॉर अनदर 10 ईयर्स। अब उनकी सैलरी जो है बेस्ड अपॉन द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस, जो अभी एग्जिस्टिंग चीज़ें चल रही हैं उसके बेस पे सैलरी बढ़ेगी। और आप देख सकते हैं कि ऑल सैलरी हाइक जो भी होगा, हर साल की जो लेटेस्ट कंडीशन होगी, इन्फ्लेशन की क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो ये बेसिकली अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि दिस विल बी गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। ये जो है इम्प्लीमेंट होगा और इसके बेस पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो है सैलरी का इंक्रीमेंट होगा, या कोई बोनस मिलता है या हाइक मिलता है। दिस विल ऑल डिपेंड अपॉन दीज पर्टिकुलर थिंग्स। दोस्तों, ये था एक सेवन्थ पे कमीशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक,
लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।